गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल. मेरा नाम है प्रियंका और आज हम करने वाले हैं दो प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन एंड रिव्यू. तो इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने वीडियो में पहले भी बहुत बारी बात की है, लेकिन आज मैं फिर से इसको रिव्यू करने वाली हूँ और कंपेयर करने वाली हूँ एक दूसरे प्रोडक्ट से. सो इस वीडियो को शुरू करते हैं और सोने प्रीटेंबर डे 11 का ब्लॉग या वीडियो अपडेट नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे फीवर था. इनफैक्ट अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी आँखें अगर आप देखो तो बिल्कुल आँखें छोटी हो रखी हैं. सो आई एम स्टिल नॉट वेल, बट कंटिन्यू तो करना है, यूट्यूब तो करना है. कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो मैं नहीं कर पाई बिल्कुल ही. आज थोड़ा बेटर है तो मैं वीडियो आज कर रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस जो है डेली बेसिस पे शूट करती हूँ, डेली बेसिस पे एडिट करती हूँ, तो कल बिल्कुल भी नहीं हो पाया. तो अगर आप मेरे पीछे ये नया बैकग्राउंड देख रहे हैं तो ये मैं DIY बना रही हूँ अपने वॉल को डेकोरेट करने के लिए. तो दिस इज़ समथिंग आई एम DIYing, इट्स स्टिल नॉट कम्प्लीट, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है. तो यस, इस वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा बकबक किए बिना. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो रेड बटन को क्लिक करके और घंटी बजा देना ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे. और छोटू पप की वॉइस को इग्नोर करना हमेशा की तरह. प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ वो है बायोटिक का बायो क्यूकम्बर टोनर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है. और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है बायोटिक का ही टोनर है, दूसरा बायो हनी टोनर. यही दोनों टोनर बायोटिक के मिलते हैं, मुझे नहीं पता कि और कोई थर्ड टोनर है कि नहीं, बट मेरी नॉलेज के हिसाब से यही दोनों टोनर्स मिलते हैं बायोटिक के मार्केट पे. तो ये बायो हनी टोनर है और ये जो है बायो क्यूकम्बर टोनर है. तो आज मैं इन दोनों का कंपेरिजन करने वाली हूँ और देखने वाली इन दोनों में कोई डिफरेंस है भी नहीं है कि भी नहीं है. तो ये चीज़ हम आज कंपेयर करके देखने वाले कि कौन सी स्किन के लिए अच्छी रहेगी. तो इस वीडियो को शुरू करते हैं हम और इन दोनों के बारे में इन डेप्थ बात करते हैं. तो अगर मैं पहले बात करूँ बायो क्यूकम्बर टोनर के बारे में, तो इसके पहले मैंने कई बार पहले भी बात करी है और ये टोनर जो है बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही अफोर्डेबल भी है. दोनों 175 रुपये के हैं और दोनों 120 ml के बॉटल्स हैं, तो दोनों का प्राइस भी एक है. तो ये जो है नॉर्मल टू ऑयली स्किन मेंशन करता है, ये मेंशन करता है फॉर ऑल स्किन टाइप्स. और दोनों ही कहते हैं कि ये पोर टाइटनिंग टोनर है विथ हिमालयन वाटर्स. सो ये तो जो दोनों टोनर मैं दोनों यूज़ कर चुकी हूँ, अब मैंने दोनों बहुत बार यूज़ कर लिया है तो मुझे अच्छे से पता चल गया है कि दोनों कैसे हैं नहीं हैं, और मैं आपको डिफरेंस बता सकती हूँ अब कि हाँ अंतर क्या है. तो इसमें यही है कि इसमें क्यूकम्बर के बेनिफिट सारे दिए हुए हैं और इसमें सारे हनी के बेनिफिट. तो हम ज़्यादा डिटेल्स में इस पर नहीं जाते और हम अंदर के प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं. तो बायो क्यूकम्बर वाला जो अभी मेरा ये नया है, मैंने काफ़ी बारी पहले इसको यूज़ करके ख़त्म किया है. ये पता नहीं मेरा 4th, 5th कितना नंबर बॉटल होगा, बट ये नया बॉटल मैंने फिर से मंगवाया. आपने देखा होगा मैंने पहले की वीडियोस में भी इसको. तो अभी जो ये है मैं ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज इट्स नॉट ओपन येट. तो ये रहा बायो क्यूकम्बर टोनर, तो और ये है बायो हनी टोनर. तो अंदर से जो है इसकी दोनों की पैकेजिंग ऐसे दिखती है. कलर में डिफरेंस है तो आप समझ सकते हैं, ऊपर सब कुछ मेंशन है क्लियरली कौन सा टोनर कौन सा है, तो इट्स क्लियरली मेंशन ऑन द बॉटल. अब जो है मैं आपको दिखाती हूँ पैक होके कैसे आता है. तो इस पर जो एक प्लास्टिक फिल्म ऊपर से चढ़ी हुई होती है, तो हम इस फिल्म को पहले उतार लेते हैं. तो पैकेजिंग की अगर बात करें तो दोनों ही सिमिलर पैकेजिंग में आता है, बस अंदर का प्रोडक्ट अलग है. स्टडी पैकेजिंग है, गिरता है तो ये बॉटल टूटता फटता नहीं है, कैरी करना इजी है, ये लीक प्रूफ है, लीक नहीं करता अगर आप इसके कैप को टाइटली सिक्योर कर ले तो. और अभी मैं जो है अपने फेस के इस साइड पे ये टोनर यूज़ करूँगी हनी वाला, और दूसरे वाले साइड पे यूज़ करूँगी बायो क्यूकम्बर टोनर. बेसिकली मेरा मोटो यही है इस वीडियो का कि डिफरेंस देखना, इन दोनों में कोई डिफरेंस है भी कि नहीं, और अगर है तो वो डिफरेंस क्या है. और मैं इसको यूज़ करने के लिए अपने कॉटन पैड्स यूज़ कर रही हूँ. आपको मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि ऐसा ही कॉटन पैड का बैग खरीद लें ताकि आप टोनर मेकअप रिमूव सब कुछ इनसे कर पाएँ. बहुत इजी टू यूज़ है और 100 rupees में आपको इतने सारे पैड मिल जाते हैं. ऑलमोस्ट 98 rupees का ये मैंने purple.com से ख़रीदा था, नायका पे भी मिलता है. और ये 80 pieces का पैकेट है, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ये ज़रूर रखने चाहिए अपने पास. तो पहले जो है इस साइड पर जो है मैं ले रही हूँ बायो क्यूकम्बर टोनर. इनके जो इतने इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं अगर अभी स्क्रीन पे पढ़ूंगी भी इन चीज़ों को तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है. तो ये है बायो क्यूकम्बर टोनर, थोड़ा पिंकी पिंकी सा टिंट है इसमें अगर आप देख सकते हैं तो. और मैं फेस के इस साइड पे ले रही हूँ बायो हनी टोनर, जिसका जो बॉटल मैं खोल रही हूँ और अब मैं यूज़ करता हूँ. जैसे बोला गया ये ऑयली स्किन के लिए, मेरी स्किन ऑयली है. ऑयली स्किन में क्या होता है, ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होता है, और नॉर्मल स्किन मेंशन किया गया हनी वाले में, और नॉर्मल स्किन नॉर्मल होती है उसमें ज़्यादा ऑयल सिक्रीट नहीं होता. तो ये दोनों के कलर में डिफरेंस है. और अब मैं इस साइड पर ये यूज़ कर रही हूँ, इस साइड पर ये यूज़ कर रही हूँ. टोनर जो है काजल भी अच्छे से रिमूव करता है.
मैंने अपने फेस को पहले क्लेंस कर लिया था, तो टोनर हमेशा आप क्लेंस करने के बाद ही यूज़ करें. और फिर भी आपके फेस से, मतलब मैंने अभी अच्छे से अपना फेस वॉश किया था, फिर भी आप देख सकते हो कितना डस्ट निकल रहा है मेरे फेस से. और अब हम यूज़ करने वाले हैं इधर ये वाला. तो अगर मैं पहली बात करूँ फ्रेगरेंस की, तो जो बायो क्यूकम्बर टोनर है इसका फ्रेगरेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हनी वाले से. तो पहली बात हो गई फ्रेगरेंस. तो फ्रेगरेंस बायो क्यूकम्बर का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हनी वाले का थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है. तो अगर आपको फ्रेगरेंस कुछ माइल्ड चाहिए, आपको ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस नहीं चाहिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड चीज़, अगर आप फिनिश देखें दोनों तरफ ही एक तरीके से ही ये टोनर टोन करता है, बट जो डिफरेंस मेरे को मेजर दिखती है, बायो क्यूकम्बर को लगाते ही एक हल्का सा टिंगलिंग सेंसेशन होता है, बट वो हनी वाले टोनर को लगाने से बिल्कुल भी नहीं होता है. हनी वाले टोनर के जब आप स्किन ड्राई हो जाएगी, मुझे ये वाले टोनर में मतलब रियलाइज़ होता है कि मेरी स्किन बिल्कुल इसने ऑयल को खींच लिया और मेरा स्किन एकदम मतलब टाइटली मेरे पोर्स पैक हो गए हैं. अब मेरे पास कैमरा तो है नहीं, तो आप फ़ोन में पता नहीं इतना देख पाएंगे कि नहीं, बट ये जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा स्किन को एकदम ये मतलब टाइट कर देता है बिल्कुल, जो कि इसका काम है स्किन टाइटन करना. बट ये जो है, अभी मैं इसका ड्राई होने का वेट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ. तब तक मैं इसके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि ये पहले ड्राई हो गया है. तो ये जो बायो क्यूकम्बर टोनर है, ये स्किन को काफ़ी ज़्यादा टाइटन कर देता है. एक हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन है. और मेरा ये पर्टिकुलरली मानना है कि इन्होंने मेंशन करा है ये ऑयली स्किन के लिए है, या ये ऑयली स्किन के लिए ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपके स्किन को अच्छे से ऑयल को खींच लेता है. तो ऑयली स्किन वालों के लिए भी ये ज़्यादा इफेक्टिव है. मुझे लगता है अगर ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ करेंगे तो उनको थोड़ा सा ड्राइनेस की महसूस हो सकती है, तो इसीलिए ऑयली स्किन वालों आप ये लें. लेकिन अगर आप ड्राई स्किन पर्सन हो, तो ये जो है उस तरह से स्किन को ड्राई नहीं करती जिस तरह से क्यूकम्बर वाली करती है. ये स्किन को थोड़ा सा लेस ड्राई कर रही है, थोड़ा सा लेस उस तरह से, मतलब मेरे को एकदम से जो बोलते हैं ना, एकदम इधर ऐसा फील हो रहा है जैसे स्किन एकदम ऐसे सूख गई है. बट अगर मैं इधर टच कर रही हूँ तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि स्किन सूख गई है बिल्कुल. और स्किन काफ़ी मॉइस्चराइज्ड भी लग रही है, मतलब स्किन में ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई स्किन बिल्कुल सूख गई, अब स्किन में बिल्कुल ही कुछ नहीं, मॉइस्चर बचा नहीं है. तो ड्राई स्किन वालों के लिए मैं ये कम बोलूँगी कि आप ये लें, क्योंकि डेफिनेटली दोनों में डिफरेंस है. दोनों को मैंने यूज़ किया अपने फेस के दोनों साइड पे, एंड आई कैन क्लियरली सी दैट कि डिफरेंस है. ऑब्वियसली फिनिश में आपको, या फिर ऐसा नहीं कि मैं गोरी हो जाऊँगी एक साइड से काली हो जाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ये तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है, बट सिंपल सी जो एक चीज़ है कि आपकी स्किन फील कैसा करती है. तो ऑयली स्किन बिल्कुल टाइटन, मेरी स्किन बिल्कुल टाइटन हो गई है, पोर्स बिल्कुल भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, और इस साइड पे काफ़ी सॉफ्ट है स्किन, काफ़ी सॉफ्ट एंड मॉइस्ट है. तो ड्राई टू नॉर्मल स्किन आप ये वाला टोनर लीजिए फॉर श्योर. क्यूकम्बर वाला मत लीजिए, दोनों इक्वली एज अ टोनर अच्छे काम करते हैं. तो ऐसा नहीं कि क्यूकम्बर ज़्यादा उसको रेटिंग मिली हुई तो वो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं. इट्स जस्ट दैट कि बायोटिक ने ये दोनों टोनर्स जो है दो डिफरेंट स्किन के लिए बनाए हैं, तो इसीलिए ये डिफरेंस है दोनों स्किन में, कि ये जो है ऑयली है, ये है ड्राई. तो फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको कौन सा लेना है. और यही रिकमेंडेशन मेरी भी है कि ये सिर्फ कलर में अलग नहीं है, ये काम भी अलग तरीके से करते हैं एक दूसरे से. तो ये मत सोचिए कि बस मैं जो मुझे पसंद आ रहा है वो ले लूँ, आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से पिक करिए. और बायोटिक के जो ये ग्रीन टोनर, इसकी थोड़ी फ्रेग्रेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें हल्की सी लोग कहते हैं अल्कोहली फ्रेग्रेंस है, मुझे तो इतना समझ नहीं आता, बट इसमें थोड़ी अलग सी फ्रेग्रेंस है, बस दैट्स इट, थोड़ी सी ज़्यादा माइल्ड है उससे. तो दैट्स माई स्मॉल एंड सिंपल क्रिस्प रिव्यू इसके बारे में. दोनों ही स्किन को बहुत अच्छा फील कराती है. दिस इज़ माई फेवरेट टोनर. आई डो नॉट बाई एनी एक्सपेंसिव और हाई एंड टोनर, बिकॉज आई थिंक दैट अगर ये मेरा काम कर दे रही है इतने कम प्राइस में, तो मैं क्यों कोई हाई एंड या कोई एक्सपेंसिव टोनर ट्राई करूँ. मैं स्किन केयर में कुछ और ट्राई कर सकती हूँ, जैसे कि स्किन क्रीम्स ट्राई कर सकती हूँ, बट टोनर मुझे क्यों ट्राई करना अगर मेरा काम इतने अच्छे से ऑलरेडी हो रहा है. तो यही था मेरा डिटेल्ड रिव्यू इस प्रोडक्ट के ऊपर. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी. और हाँ, प्रिटेम्बर सीरीज़ अब नेक्स्ट वीक ख़त्म भी हो जाएगी, क्योंकि 19th ऑफ सितंबर मेरा बर्थडे है. बट अगर आप ऐसे रेगुलरली मुझे वीडियो बनाते हुए देखना चाहते हैं, तो वो भी मुझे बताएं ज़रूर, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ बनाऊँ. और यह एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है, मेरा यूट्यूब एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है. मैं अपने यूट्यूब में सब कुछ अब इम्प्रोवाइज़ कर रही हूँ अपने इस चैनल पर. तो बस बने रहिए मेरे चैनल पे देखने के लिए कि क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन होने वाली है नेक्स्ट 10 दिनों के अंदर. और आई होप कि चीज़ें अच्छी होंगी, मेरे एक्सपेक्टेड जैसे मैंने कर रखा है वैसी होंगी.
पहले विश करिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ ताकि मैं और थोड़े अमेजिंग वीडियोस बनाऊँ आप लोगों के लिए. और मैंने जो अभी रिसेंटली $200 की शॉपिंग करी है शीन से, यानी कि 12-13 हज़ार रुपये की शॉपिंग कर रखी है मैंने शीन से, जो कि डिलीवर होना अभी बाकी है. तो जैसे वो सामान आ जाता है उसके लिए बड़ा वाला हॉल बनाने वाली हूँ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए. तो स्टे ट्यून रहिए मेरे चैनल को, ये सब देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए. नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ये दोनों प्रोडक्ट्स आप नायका पर्पल amazon.com कहीं से भी खरीद सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है. तो जहाँ सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिले वहीं से लें और डिस्काउंट में ये 130-135 रुपीज़ का मिल जाएगा आपको. तो चलिए मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक लिए इतना ध्यान रखिए और खुश रहें.